हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल शिक्षक भर्ती के जो 38,000 पदों पर वैकेंसी आनी है, जिसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की आ चुकी है, बच्चों ने फॉर्म भी फिल कर दिए हैं। अब जो ये न्यूज आप लोगों के सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने जो है वो इस भर्ती पर रोक लगा दी है, भर्ती जो है वो अब होगी या कैंसिल हो जाएगी, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। इसकी जो मेन वेबसाइट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलूंगी, तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। यहाँ पर होम पेज पर ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स नजर आ रहे हैं, जहां पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं टीजीटी, होस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ के। अभी पीआरटी की भी वैकेंसी आएगी, यानी कुल मिलाकर जो है वो 38,000 जो है वो वैकेंसी यहाँ पर आनी है। तो सरकार के बजट में जो है वो पहले से ही घोषणा हो चुकी है, पैसे लग चुके हैं, स्टूडेंट ने जो है फॉर्म भी फिल कर दिए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भर्ती पर कोई भी जो है वो रोक नहीं लगी है। आप लोग अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर रखें, अगर कोई भी नोटिस आता तो यहाँ ऑफिशियली जो है वो आप लोगों को मैं बताती। तो अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है कि हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगाती है, तो कुछ जो टीचर्स हैं उत्तराखंड के जो कि पहले से ही यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि केंद्र ने जो है ये जिम्मा अपने हाथ में लिया है, केंद्र, राज्य और जनजाति संस्थान इन तीनों मिलकर जो ये भर्ती करा रहे हैं, तो हमारी जो जॉब है उस पर खतरा हो सकता है। न्यू स्टूडेंट जो कि टीचर्स बन के आएंगे, तो हो सकता है कि हमें जो है यहाँ से जो है जाना पड़े, तो ऐसा कुछ जो उनको महसूस हो रहा है, तो इस वजह से जो है उन्होंने हाई कोर्ट में रोक लगा दी है कि राज्य सरकार के हाथ में जो है ये जिम्मा होना चाहिए इस भर्ती को कराने का। ठीक है, तो ये जो न्यूज है इस पर आप जो है वो बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर करते रहें। कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।